बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में, और मैं हूं सूरज राज। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र BSc सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए हम केमिस्ट्री का थर्ड पेपर लेके आए, और ये बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद में है, अवध यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं, 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे, ताकि कोई भी जो भी वीडियोज हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो कोई भी आपसे वंचित ना रहे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। बात करने वाले हैं, यदि जो भी छात्र अवध यूनिवर्सिटी से है, फैजाबाद से है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन यहां आपको देने वाले हैं, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहे हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हां, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। एक हमारा न्यू चैनल अभी हमने खोला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ। जी हां, उस पे आपको कंपटीशन फूड चैलेंजेस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए। अब यहां देखो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहां देखो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो है हैस का नियम। हैस का नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद करिए। अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है आपके पास, जैसे हम लेके आए हैं सीरीज वगैरह मार्केट से, छोटे छोटे टाइप के जो होते हैं, आप उसको क्लिक कर लीजिए, बस वही टिक लगा लीजिए, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन छुड़वाने का होगा मैं यहां से छुड़वा दूंगा, बाकी जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वहां आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन को भी याद करेंगे, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे कहते हैं क्लासियस कैलेपिरोल समीकरण के बारे में। और एक यहां से क्वेश्चन बनता है, सीपी और माइनस सीबी बराबर आर, ये सिद्ध करिए। ये सिद्ध करने के लिए आपसे पूछता है, इस क्वेश्चन को आप ये लगा लीजिए। और उसके बाद में आता है नर्सेट के वितरण नियम के बारे में, इसको याद कर लेना। जोन थॉमसन गुणांक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी टिक लगा रहा हूं आपको, मोस्ट। और कोलराउस नियम के बारे में, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आपसे पूछता है कि अभी ये वाला जो आप देख रहे हैं, जो हिटार्फ विधि है, ये हिटार्फ विधि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अभिकलनांक को याद करने के लिए, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर को जिस विधि से ज्ञात किया जाता है उसे हिटार्फ विधि बोला जाता है। और हिटार्फ विधि को आप अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने की विधि बोला जाता है, अभिनांक ज्ञात करते हैं इसके द्वारा। और यहां देखिए, तुल्यांकी चालक विशिष्ट चालकता, इज मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, विशिष्ट चालकता, ठीक है। हेनरी के नियम और उनकी सीमाओं की याद कर लेना, विद्युत अपघटनीय सेल जो होते हैं ये आपको याद करना होगा। साथ ही साथ प्रवस्था के नियम जो आप देखते हैं, प्रवस्था के नियम सीसा व्याख्या सहित आपको सीसा रंजित के बारे में बताना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रवस्था के नियम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। और उसमें गतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियमों को याद कर लेना, ये वेरी 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 इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूं, जो पेपर में आपके छप रहे हैं। मानक इलेक्ट्रोड क्या होते हैं आप इसको पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो नर्सेट है उसके वितरण दाब सिद्धांत के बारे में आप ये पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, बोल्ट, देखो एक आता है बोल्ट, अति बोल्टता का सिद्धांत, इसको एक बार पढ़ लेना। किरचॉफ की समीकरण को आप पढ़ के जाएंगे, किरचॉफ की समीकरण रट लेना। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। मुक्त, देखो आता है मुक्त ऊर्जा, ठीक है, मुक्त ऊर्जा, इसको आप याद करके जाएंगे। मुक्त ऊर्जा क्या होती है आप इसको पढ़ेंगे एक बार ध्यान से, आप ध्यान से देख के जाएंगे इनको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह सकते हैं ऑस्टवाल्ड का तनुता का नियम, आप पढ़ के जाएंगे। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा को आप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है सक्रिय ऊर्जा। वही बात की जाए, द्रव द्रव का संगत अवस्था का नियम आपको पढ़ना है। ग्रिप्स जो हेम्सहोल्ट्ज जो समीकरण है इसके बारे में आप पढ़ के जाना है। पीएच मान इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। बर्फ विलयन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, और साथ ही साथ आपको ताप बिंदु जो होता है और संकर बिंदु जिसे बोलते हैं इसको आप पढ़ के जाना है। और हैवर, देखो कह सकते हैं बॉर्न हैवर साइकिल इज मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पेपर में छप रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप टॉपर बनने जा रहे हो तो इन क्वेश्चनों को सबको रट के जाएंगे। लास्ट लेकर सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, प्रवस्था नियम ऊपर बता रखा है, गतिमान सीमा विधि के बारे में पढ़ लेना है, और वॉल्ट ऑफ अभिकर संताप के बारे में छोड़ देना, और विवृत एवं खुला तंत्र क्या होता है इसको छोड़ देना। संलक्षण के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, संलक्षण के नियम के बारे में पढ़ लेना है। जल का अग्नि गुणांक क्या होता है, इसमें इतने पढ़ के जाना है जो मैं आपको बता रहा हूं, बस बॉक्स में जो बंद कर रखा है यही पढ़ के चले जाओगे ना। एक ये वाला अतिरिक्त बिंदु किसे कहते हैं, बस इतना पढ़ के चले जाना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 85% नहीं लगे, 90% प्लस आपको देखने को मिलेगा, आपके टॉप करने वाले हो यदि आप इन क्वेश्चनों को रट के चले जाते हो। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, जो खिलाड़ी भैया XYZ चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज प्लीज, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, मतलब सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं जो आपके पेपर में छपेंगे, तो आप ध्यान से सारी वीडियो को देखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन जैसा ही मिले वो आप तुरंत वीडियो को देखिए। थैंक यू।